ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੈਗ ਵੱਲੀਏ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. So good morning friends, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब. आज है डे टू, हम लोग जा रहे हैं कुल्लू से मनाली की तरफ और फिर करेंगे मनाली एक्सप्लोर, आपको तो दिखाएंगे ही. सुबह के 8 बज चुके हैं और ये बंदा अभी तक सो रहा था, अभी उठा है. देखिए इस जादू को, अभी उठी हैं तो नहा के आपको तैयार होकर मिलते हैं. सो दोस्तों आज है डे टू और हम लोग जा रहे हैं इस हाईवे से कुल्लू से मनाली. वो खड़ा हमारा बाइक नीचे और मिलते हैं आपको अब सीधा बाइक पे. हो गए हम रेडी, टाइम हो चुके हैं 9 बज चुके हैं और हम अभी हम निकलने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको बाहर रोड पे. सो दोस्तों ये है हमारा होटल जिसको अभी अलविदा करने का टाइम आ चुका है. अभी हम जा रहे हैं मनाली की तरफ, जैसे कि आपको बताया था कि आज हमें जाना है मनाली. अब जाएंगे जहाँ से सीधा नॉन स्टॉप मनाली और चाय वगैरह ये वहीं पे जाके पियेंगे. आई होप कि आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसको पहले देख लिए. डे वन, अब डे टू. डे टू हम निकले हैं मनाली, अब जाएंगे मनाली से आगे, देखते हैं प्लान क्या बनता है. बिकॉज हमें कंफर्म नहीं है कि रोहतांग का रास्ता ओपन है या नहीं है. अगर तो ओपन हुआ तो देखेंगे आज जाएंगे या कल जाएंगे, जाके ज़रूर आएंगे. अगर ओपन ही ना हुआ तो फिर शिलोंग वैली जाके वापस आ जाएंगे मनाली, मनाली को एक्सप्लोर करेंगे. तो जैसा भी होगा आपको पता चल ही जाएगा वीडियो में. वादियों को देख के ना मुझे फकीरा भाई की एक बात याद आ रही है कि कुदरत जितनी खूबसूरत है ना उतनी खतरनाक भी है. खतरनाक इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप आओगे आप मर जाओगे, खतरा ऐसा कि ठंड बहुत ज़्यादा है, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो है लैंडस्लाइडिंग का, कहीं भी कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है. तो इस वजह से कुदरत खतरनाक भी है. तो खूबसूरत तो आप देख ही चुके हो यार, इतनी खूबसूरत जगह हिमाचल प्रदेश की तो रीस ही कोई नहीं है. आप सिर्फ घर पे मत बैठिए, निकलिए घर से बाहर आइए, देखिए अपने इंडिया को घूमना, इंडिया को देखो कितना अच्छा है इंडिया. इंडिया में बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक है. कई लोग बोलते हो सर्दियों में बाइक पे इतनी दूर जाना सही नहीं रहेगा, आपको बता दूं भाई सर्दियों में बाइक चलाना इजी हो जाता है. गर्मियों में जब आप राइडिंग गियर्स डालते हैं, जैसे राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज, राइडिंग ग्लव्स, सब कुछ डालना इतना मुश्किल हो जाता है ना कि पसीना बहुत आता है. तो सर्दियों में ये सब कुछ नहीं होता है, इसीलिए राइडिंग थोड़ी ईजी हो जाती है. तो ऐसा मत सोचो कि राइडिंग बहुत मुश्किल है, राइडिंग बहुत ईजी है सर्दियों में. आप निकलिए घर से, करिए एंजॉय अपनी लाइफ को, घूमो. मनाली सिटी में एंट्री होते ही इतना ट्रैफिक शेयर ही था. चलो कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं अपनी स्पीड से. कीचड़ ने हमारा हमारे बाइक का बुरा हाल कर दिया है, बाइक पूरा गंदा हो चुका है. बट हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं, मनाली में इतना कीचड़ और इतना ट्रैफिक था क्या बताऊं आपको, सब कुछ आपके सामने ही है. अभी हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज किया, हम सीधा शिलोंग वैली जा रहे हैं मनाली से. अभी हम और कुछ भी नहीं करने वाले, यहाँ से सीधा जाएंगे शिलोंग वैली और फिर देखते हैं क्या उस वापिस आके क्या करते हैं. बिकॉज रोहतांग के रोड हमें पता चला है कि बंद है. अभी आपके सामने है मनाली की ब्यूटी, मनाली का रश, मनाली के लोग बिल्कुल है आपके सामने.
ये भी आपने देखे होंगे कुछ ब्यूटीफुल से सीन, आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों यही बात करेंगे कि एक बार आओ मनाली घूमो, इंडिया घूमो, करो अपनी लाइफ को एंजॉय। अब मिलते हैं सीधा शिलांग वैली, बिकॉज शिलांग सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रह चुका है। सो गाइस हम लोग शिलांग पहुंच चुके हैं, आप देख ही रहोगे कितने राइडर यहाँ पे आए हुए हैं। जादू। सो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए शिलांग में, पर पहाड़ी पे सांस फूल रही है चलते चलते। दिखाते हैं आपको इस पहाड़ी के थोड़े सीन। अब आपको जादू करके दिखाएगा बटरफ्लाई डांस ऑन बर्फ। ये बंदा आपको दिखाएगा बटरफ्लाई डांस। ये देखो बटरफ्लाई डांस बर्फ पे। दोस्तों जो अभी आपने देखा वो था शिलांग वैली के नज़ारे, एकदम मस्त। आप भी आए एंजॉय करें, बहुत अच्छी चीज़ें हैं बर्फ में देखने के लिए, खेल और पैराग्लाइडिंग है, आए और एंजॉय करें। ट्रैकिंग भी है, आओ एक बार आओ यार, जाने का मन नहीं करता आपका। सो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं शिलांग से वापस मनाली की तरफ। दोस्तों अभी हम आए थे हडिम्बा देवी टेम्पल पे, रात को अंधेरा काफ़ी हो गया था इसलिए वीडियोग्राफी नहीं कर पाए, पर अब आपको मिलते हैं सीधा माल रोड पे। सो दोस्तों आज है डे 3। डे 2 हम लोग लेट हो चुके थे, रात को वीडियो नहीं बना पाए, वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाए। तो हमें होटल वालों ने बताया कि यहाँ पे 5 दिन स्नोफॉल का अलर्ट है और यहाँ पे रोड्स भी ब्लॉक हो सकते हैं अगर ज़्यादा स्नोफॉल हो गई। तो हमने सोचा निकल जाते हैं आज ही, वैसे हमारा एक दिन ज़्यादा रहने का प्लान था बट इसकी वजह से हमें यहाँ पे निकलना पड़ा आज डे 3 में। तो यहाँ से अब जाएंगे सीधा घर, बिकॉज बारिश पड़ रही है सुबह 5 बजे से और अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, तो हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं। अब जहाँ से सीधा जाएंगे घर, जो भी चीज़ें हमारी ख़राब होने वाली हैं जैसे कैमरा हो गया,
मोबाइल्स हो गए, ये सब हम डाल देंगे अपने वाटरप्रूफ बैग में और फिर जाएंगे घर पे। सो बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको आगे भी ऐसी बहुत सी राइड मिलेंगी। धन्यवाद। बाय बाय।